तो दोस्तों, एक तरफ जहां कोरोना के केसेस लगातार भारत के अंदर जो है कम हो रहे हैं, वहीं एक बुरी खबर निकल करके सामने ये आ रही है कि कोरोना का एक और नया वेरिएंट डेल्टा प्लस वेरिएंट जो है वो भारत के अंदर जो है वो आ चुका है, जिसकी पुष्टि जो है वो मुख्य रूप से बात करें तो महाराष्ट्र के अंदर हुई है, जहाँ पर कि 21 नए जो है वो डेल्टा प्लस वेरिएंट के जो मरीज हैं वो जो है वो सामने आए हैं। वहीं बात करें तो महाराष्ट्र के अंदर भी सबसे ज़्यादा बात करें तो रत्नागिरी के अंदर 9 और जलगांव के अंदर 7 जो है वो पेशेंट जो है वो इसके सामने आए हैं। वहीं बात करें तो पंजाब और मध्य प्रदेश के अंदर भी कुछ केसेस जो है वो इस कोरोना के नए वेरिएंट के जो है वो सामने आए हैं। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो है वो कहीं ना कहीं तीसरी लहर की आहट जो है वो नज़र आ रही है। वहीं बात करें तो कोशिश जो है वो प्रशासन की यही रहेगी कि इनकी जो कॉन्टैक्ट हिस्ट्री है वो पता करके और जल्दी ही जो जो लोग इनके कॉन्टैक्ट में आए हैं उनको जो है वो अलग किया जा सके या क्वारंटाइन किया जा सके और जो है वो स्टडी इस वेरियंट के ऊपर की जा सके। लेकिन कहीं ना कहीं घटते हुए संक्रमण के बीच में ये जो है वो बहुत ही बुरी खबर निकल कर के सामने आई है।